औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं मोहम्मद रियाज अहमद नगर लोकसभा इंचार्ज सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोकसभा के हल्के में सनत नगर कॉन्स्टिट्यूंसी आता वहाँ पर बेगमपुर डिवीज़न के एरिया में अवाम दारुल अवाम बुलकर एक प्लेस है जहाँ पे हमारे गौस साहब इंचार्ज का रिहायशी मकान है। वहाँ पे आज जो है सो खाना पकाया गया और उसको तकसीम किया गया गरीबों में। इसके अंदर अपन हमारे यूनाइटेड रिलीजियस सर्विस के न्यू प्रेसिडेंट साजिदा जरीन मैडम शिरकत करें और तआउन करें और पार्टिसिपेट करें, और उन्होंने देखा यहाँ के हालात और बहुत अफसोस हो गए कि देखो आज एक वक्त के खाने के लिए लोग इतने आ रहे हैं तो कितनी गुर्बत है, कितनी मुश्किल है। इंशाल्लाह तो वो देखकर उन्होंने वादा किया कि चलो इंशाल्लाह इस गरीबों की मदद 10 स्विंग मशीन देकर हम पूरी करेंगे। तो आने वाला जो प्रोग्राम रहेगा साजिदा जरीन मैडम के तरफ से 10 स्विंग मशीन्स गरीबों में बांटा जाएगा, और आगे भी जो है ना प्रिजनर में जो फंसे हुए हैं लोग प्रिजन से जो छुड़ाएंगे उन्हों जेलों में जो भी फंस गए आज के डेट में, तो उनको वो भी निकालना है। वो बहुत बड़ा फैसला है। पार्टी बहुत खुश हो रही है, आपसे भी जुड़कर हम काम आगे करना चाहते हैं कि आप इस मौके पर जो लॉकडाउन में लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को आप समझकर जो है ना ये बोल रहे हैं कि हम जमानत कराएंगे, तो बहुत नेकी का काम है। बंदे को आज़ाद करना तो बहुत बड़ा सवाब है। तो इंशाल्लाह वो हैदराबाद में आपकी तरफ से मैं समझूंगा कि फ़र्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा, तो और जो भी होंगे पूरी पार्टी आप लोगों के साथ हमेशा खड़ेंगी। आपके जो इस्तकबाल को हम सलाम करते हैं और कबूल करते हैं। बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ काम करके, और यहाँ पर भी लोग कई जो है ना अफराद एक वक्त के खाने के लिए आए थे, हमने उनको भी देखा। बहुत अफसोस हो रहा है कि इतनी भुखमरी आज भी बेगमपेट डिवीज़न में है। तो अभी हम लोग राशन के किट्स भी बांटे और तकरीबन सोशल वर्क करते आ रहा, पर उतनी पब्लिक नहीं, पर आज बिरयानी के वास्ते इतनी पब्लिक आई। मैं बहुत परेशान हूँ बस, और कुछ नहीं। दुआ करिए सबके लिए कि अभी सबको ईद मुबारक, जुम्मा अलविदा मुबारक, और सबके लिए दुआ करिए कि आने वाले जो दिन होंगे सबके लिए अच्छे होंगे।